ये इसका तुमको बताना पड़ेगा, उसको कंटेंट देना पड़ेगा। ओ ये नहीं क्या, हमारे मैडम नहीं है, सोनाली मैम नहीं है क्या? सोनाली मैम को फोन लगाओ। सोनाली मैम वेयर आर यू? आवाज आ रही है बच्चों लोग? आवाज? यस सर। यस सर। सोनाली मैम को फोन लगाओ। क्या बच्चों लोग क्या समझ में आ रहा है, ये जो डायग्राम पे जाए लेक्चर में क्यों रहे तुम लोग? फिजिक्स का लेक्चर नहीं है बोला मैम, बस 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 बोलो सर को। हेलो, कुछ बोल नहीं रहे आप आज? कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ। क्या बात करना चाहे, याद दिलाए? पहली बात तो याद दिलाना है कि आज कितने बजे, रात के 10:20 से लेके 1:20 तक मैं गेस्ट पेपर करने वाला हूँ मैथ्स का। गेस्ट पेपर मतलब क्या मालूम क्या, कि गेस करेंगे हम कि एनडीए में क्या आने वाला है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन एनडीए, वो सॉल्व कराने वाला है। उसमें लास्ट 10 साल के पेपर भी सॉल्व करेंगे, उसमें से सम्स करेंगे, हर इसमें से एक एक सम करेंगे। मतलब आपको वैरायटी मिलेगा, मतलब 30 टॉपिक्स है ना, तो हर एक टॉपिक में एक एक सम करेंगे, तो बच्चों को सब सब मिल जाएगा। तो बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, 11th 12th के बच्चे, 11th के बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे इंटीग्रेशन नहीं होगा उसमें, एवरीबडी कैन ज्वाइन, 10th 11th 12th सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी एग्जाम करूंगा, मैथ्स का एनडीए में 30 टॉपिक्स है, तो हर टॉपिक में एक एग्जाम करूंगा। ये 10 दिन चलने वाला है, रात को 10:20 से लेकर 1:20 तक। आखिरी डाउ बोलते इसको, लिखो आखिरी डाउ, लिखो बच्चे लोग। दूसरी बात, स्ट्रेटेजीज का तुमको क्या इंपॉर्टेंस मालूम है? तीसरी बात, मैं एक बोला ना एक एग्जाम के बारे में, ICAR, उसके बारे में आपको सोनाली मैम बताने वाली है। रेलवे RRB, रेलवे का एंट्रीज है आफ्टर 12th, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। CRPF का भी एंट्रीज मालूम होता, जो लोग का 7 सितंबर से हमारा CDS का स्पेशल, सितंबर से वो CDS भी होगा, CISF भी होगा, CAPF भी होगा उसमें, और UPSC एग्जाम्स के लिए हम पढ़ाने वाले हैं, स्पेशलिस्ट टीचर्स लाने वाले हैं 7 सितंबर से, UPSC के लेक्चर्स होंगे। जो बच्चों का 12th हुआ है ना, वो 12th के बाद वो लोग NDA कर सकते हैं, CDS कर सकते हैं, बट टेकिंग आर्ट्स। तो RMC के बच्चे लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे काफी, क्योंकि बहुत हाइफा होगा, लेकिन RMC को मैंने 3 अलग लेक्चर दिए रोज 2 बजे से 4 बजे तक आपके लिए स्पेशली। 13 सितंबर में RMC का एग्जाम है, और CDS में जो पेपर जाता है, CDS का ग्रुप में पेपर डाला के देखो आप सुबह 10 बजे का, नहीं डालो तो अभी डालो। CDS ग्रुप में पेपर डालना चाहिए सुबह 10 बजे का, वो RMC का ही पेपर आएगा CDS में भी। RMC के लिए पढ़ना और CDS के लिए पढ़ना एक ही बात है, डाला के देखो जरा अभी देखो, पहले तुम्हारे जो उसको कायनात को बोलो CDS के ग्रुप में पेपर जाना चाहिए, RMC के ग्रुप में, 11th के ग्रुप में और 12th के ग्रुप में भी जाना चाहिए, एक दिन मैथ्स और एक दिन गैट, ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर दोनों। मैं बच्चों लोग ये पूछ रहा, तुम्हारे को स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने ड्रॉ किया गया है, ये चार चांडा चौकड़ी क्या है, ये चार चांडा चौकड़ी क्या है, को बार डायग्राम बोलते, बार कितने लोगों को मालूम है बार डायग्राम मतलब क्या मालूम है? बार डायग्राम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कितने बार डायग्राम होते हैं? सिंपल बार डायग्राम लिखो ना, चार पांच में लिखो, सिंपल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जॉइंट बार डायग्राम। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत बड़ा विषय है, आप MSc कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, 20 क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो बच्चों को कैलकुलस में पढ़ते हैं ना, वो स्टैटिस्टिक्स के जोड़ के इंटरवल, मैंने अनम्यूट मांगता ना सर, क्या बजा आएंगे फिर, एक दो तो हो गए थे इस क्लास में। अच्छा ये स्टैटिस्टिक्स का हो गया, मैं बोला नेक्स्ट आगे जाओ क्या?
अनम्यूटेड है। स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है क्रिकेट में, क्या स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स में क्या रोल होता? एक वर्ड लिख रहा, सीफोलॉजी, पी एस ई, सीफोलॉजी लिखो ना, पी साइलेंट है, पी एस ई पी एच ओ एल ओ जी एस टी, सीफोलॉजी क्या होता है देखो। अरे इलेक्शन होते हैं ना, प्रशांत किशोर बहुत पैसा बना था, इलेक्शन होने से पहले वो तुमको प्रेडिक्शन देता कि कौन सा पार्टी जीत के आने वाला है। योगेंद्र यादव करके भी है, योगेंद्र यादव है, वो भी सीफोलॉजिस्ट है। एनडीटीवी का प्रणव रॉय, वो भी सीफोलॉजिस्ट है। विनोद दुआ, ये भी सीफोलॉजिस्ट है, वो प्रेडिक्शन करते आगे। और मालूम है तुमको, ये लोग जो सट्टा लगाते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच होते क्रिकेट के, तो वहां पे तुम सट्टा लगाने के लिए मैथमेटिशियन को बिठाओ, वो तुमको बताएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीता कौन हारा, गाना नहीं देखा? हाँ, तो वो स्टैटिस्टिक्स से बड़ा कर सकते तुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज होता। कितने लोगों को बात मालूम है? ऋतुराज दफल मालूम है कितने लोगों की बात? हाँ, तो ये सीफोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स में मजा नहीं आएगा ना, वो आगे मैच नहीं कर सकता। एनडीएससी इमरान, एनडीएससी में पूरा स्टैटिस्टिक्स ही स्टैटिस्टिक्स भरा है। ये स्टैटिस्टिक्स सब बच्चों ने अटेंड करना चाहिए। हाँ क्या? सही है, सही है तेरा। धनराज जय महाराष्ट्र। हाँ कुठे आहे तू? 10 वाजता लेक्चरर होता का धनराज भोसले? कालच्या? हा अच्छा अच्छा, शाहरुख सरांच्या लेक्चरला 10:20 टेस्ट। लेकिन मेरे भाई अभी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन सिखा रहे हैं, तभी वो टाइम पे देखो करने का ना, 10 दिन बाकी है ना। अजीब आदमी यार तू, करता हूँ अभी यूट्यूब पे। बहुत भारी सीखा है सर ने आज, भाई भी बहुत भारी पेपर कैस करने वाले 10 दिन में। और फिर मैं बाद में बताऊंगा प्रेडिक्शन स्टैटिस्टिक्स 10 दिन में अनिश कुट्टी ने कितने क्वेश्चन करे और उसमें से इंशाल्लाह कितने क्वेश्चन एंडिंग में है क्या नहीं। तो यूट्यूब तो झूठ नहीं मिलेगा। हाँ यूट्यूब पे डालने वाला है। बार ग्राफ्स टू शो नंबर्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, पाई चार्ट टू शो हाउ अ होल इज डिवाइडेड टू डिफरेंट पार्ट्स, लाइन ग्राफ्स शो यू नंबर देयर। इमरान हाँ अटेंड कर सकता तू, एनडीएससी के बुक्स में सम करने वाले हम। सारे नहीं समझ में आएंगे, लेकिन हम लोग हर एक सम एक एक टॉपिक का करने वाले, उसमें सट्टा। तो 30 क्वेश्चन में 15 तो समझ में आएंगे, 15 नहीं समझ में आएंगे, बाद में समझ जाएगा। भाई स्ट्रेटेजी कितने को मिलेगा? 1 डायमेंशनल भी है, 2 डायमेंशनल भी और 3 डायमेंशनल भी। 1 डायमेंशनल मतलब लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, सिंपल बार डायग्राम। 2 डायमेंशनल मतलब पाई चार्ट। और 3 डायमेंशनल क्या होता है सर? कौन बनाया इनके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रेटेजी में क्या रहता? आर्यन गढ़ के एकड़ों बस लेक्चर में रहा रिजर्व दो। हाँ लोकर लोकर या यू तो बस। हाँ 1 डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन क्या है, सबको मालूम है। 3 डायमेंशन क्या है स्ट्रेटेजी में? है कोई माइकल हाल, कोई माइकल वाली साइकिल वाला, साइकिल वाली कोई बताया क्या सर? पाई चार्ट वगैरह। पाई चार्ट तो 2D में आकाश। हाँ ऋषिकेश भी बराबर बोल रहा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी रहता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी रहता है। ये इन्फ्रेंशियल वर्ड है ना ऋषिकेश, आज नए जमाने में बच्चों को 2 चीज आना चाहिए, एक है न्यूमरसी, टाइप करो मैं टाइप करता, कोई टाइप करेगा न्यूमरसी, और दूसरा है लैंग्वेज। ये 2 चीज पे कमांड नहीं है ना, तो वो आदमी पॉलीमैथ नहीं बन सकता। पॉलीमैथ, पॉलीमैथ का मतलब समझ में आता है? पॉलीमैथ बिल गेट्स बोलता पॉलीमैथ बनो। पॉलीमैथ का मैथ से कोई कनेक्शन नहीं है, कितने लोगों को बात मालूम है? हाँ रुद्रेश पाटिल ने बराबर बोला, उसका नाम है रुद्रेश, उसको पता टोपोलॉजी। रुद्रेश से को मिला क्या आईआईटी सीवाई का? रुद्रेश जरा इसको जरा लगा ना अबू को, रुद्रेश को मिला क्या? हाँ बोला, हाँ बोला, अबू को फोन लगा, नीचे बोला। कितने को पहली बार मालूम पड़ा?
3D में भी टॉप स्टैटिस्टिक्स रहता है, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। अच्छा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा मालूम है क्या? ये लोग है ना बच्चे लोग, मेरा एक स्टूडेंट है एसपीएल में था, कदम नाम है उसका, कदम, वो उसकी बीवी दोनों भी स्टैटिस्टिक्स जमा करके थे पॉलिटिशियंस को, और उनको रेटिंग्स देते कि किस तरह से तुम उनका यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा देते और तुम इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और ये भी बताते तुम्हारे को कि किस तरह किधर ज्यादा काम करना पड़ेगा, काउंसलिंग करते, बहुत पैसा है बच्चों का। और ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट किधर बन गया? चेन्नई में, चेन्नई में नहीं, अभी बीच में उनका डेप्यूटी जिसने स्टार्ट किया था, नाम भूल गया, चेन्नई में एक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसके फाउंडर का भी डेथ हुआ था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, और जिसको स्टडी में मजा आता ना, बहुत ज्यादा पैसा उसमें। आकाश बोलो सर, आज FIDE का इंटरनेशनल ओलंपियड है एंड टुडे सेकंड एंड इंडिया इज फर्स्ट करंटली इन द पॉइंट्स टेबल। बोलना था कि आज वो FIDE वो एक इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो ओलंपियड है, तो इंडिया आज दूसरा दिन है उसका, और इंडिया करंटली फर्स्ट है चार में से। हां फिर बहुत, अभी बहुत जोन में है इंडिया। अरे मेरे पास 100 बच्चे एडमिशन को आते हैं ना, अभी कोविड में भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो दो बच्चे को 1-30 का स्क्वायर लिखना नहीं आता, आज भी मेरे पास 5 लोग आए थे। अजीब है यार, पढ़ाई की तो वाट लग गई। और जितने भी इंटरनेशनल ओलंपियड है ना, एस्ट्रोनॉमी के क्यों ना हो, मैथ्स के क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम यूट्यूब पे बोल रहा 1-12 के लेवल का हो और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन लिया तो हम उसको फ्री पढ़ेंगे। 11-12 इंडिया का एडमिशन लिया तो फ्री 1-1 देखे। हाँ प्रशांत चंद्र महालाना ओबिस, इंडिया में क्वेश्चन आया था उसका महालाना ओबिस पे 2019 में, डालना यार चैट बॉक्स में। ये बोला अच्छा प्राइमरी डाटा मतलब क्या है, रॉ, सेकेंडरी डाटा मतलब वो भी रॉ। मैं तुमको इसका बहुत अच्छे से समझाता हूँ, देखो बच्चों यही बात बता रहा हूँ, मेरे को भी ना, मेरा क्लास एनडीए है तो मेरे को कैसे टाइप के लोग मांगते हैं, मैं पहला लोग दूंगा साइनिक स्कूल के बच्चों का, फिर देने दूंगा एसबीआई के बच्चों का, फिर मिलिट्री स्कूल के बच्चों का, फिर नवोदय के बच्चों का, फिर ऐसे बच्चे जो है जिन्होंने मेरे को 90% लगा है, या ऐसे बच्चों को मैं डाटा दूंगा जो जिन्होंने एनटीएससी का एग्जाम दिया। तो कोई अगर मेरे को बोलेगा, कोई एथिकल हैकर है अर्जुन अय्यर है क्लास में, वो बोलेगा सर मैं आपको डाटा देता हूँ और ये लोग सबको इंडिया आना है और इन्होंने एसबीआई का एग्जाम दिया था, तो मैं उसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो लोग एसबीआई जाना चाह रहे हैं, इंडिया जाना चाह रहे हैं, आरएमसी का एग्जाम दिया वो लोग इंडिया में जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग का डाटा मेरे काम का है क्योंकि वो मेरा बिजनेस है। तो एक है ना, मैंने वो एक इससे पहले भी बताया, ये बहुत भारी आदमी है बच्चे लोग, प्रशांत चंद्र महालाना बिस, इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं क्या बोल रहा था, टॉपिक छूट गया मेरा, क्या बोल रहा था मैं, हाँ एक जीप गाड़ी का, जीप JEEP मतलब जीप गाड़ी, हाँ मेरे को 4x4 ड्राइव वाला गाड़ी बहुत पसंद है, मारुति सुजुकी, सिर्फ बिल्ट्री को देते मालूम तुमको, मारुति सुजुकी का जो 4x4 ड्राइव है ना मारुति का, सिर्फ बिल्ट्री वाले ले सकते हैं 4x4 जिप्सी, और वो फिर क्या होते हैं वो नीलाम करते फिर मार्केट में सेकंड हैंड आता, बहुत भारी गाड़ी, किधर भी मैं जाता ना बाहर छोटे छोटे ध्यान में पहाड़ भी चढ़ सकता हूँ, तो वो जीप गाड़ी है जीप। तो एक बार मैंने सिर्फ एक ही बार गूगल किया था जीप गाड़ी के बारे में, तो मेरे को अभी भी जीप गाड़ी के मेल आते हैं, सर आपको गाड़ी लेनी क्या लेनी, तो कितना कितना ज्यादा अवेयरनेस है स्टैटिस्टिक्स, उसको बोलते प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा है, पीछे जा रहे आगे बढ़ गए क्या भाई, क्या हो रहा है सर, बस तो रॉ डाटा भी है और एक उसको अनग्रुप डाटा बोलते हैं, ग्रुप डाटा भी बोलते हैं, मालूम है ना सबको। और ये ना ये बच्चों वोट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये कहा गया, ये प्राइमरी वोट के साथ दो वोट में लिख रहा हूं, याद रखो लिख रहा है यहाँ पे, ये देखो बच्चों प्राइमरी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डाटा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सुना कभी, और टर्शियरी डाटा मालूम है, कितने लोग टर्शियरी डाटा मालूम है, जैसे उस दिन मैं एक सट्टा बताया था 9:30 के लेक्चर में, कभी कभी तुम आया करो, मैंने कल भी बताया श्रीलंका डाउनवर्ल्ड में रिलेशन क्या है, तो ये बहुत लोगों को नहीं मालूम था, तो मैंने सट्टा बताया था कि इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री ज्यादा, बाद में एग्रीकल्चर और बाद में क्या रहे इंडस्ट्री है, तो सर्विस इंडस्ट्री ज्यादा, उसका मैंने एग्जाम्पल सट्टा देके बताया था,
तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्यों इंपॉर्टेंट है? टर्शरी मतलब बैंकिंग सेंटर है, सेक्टर है टर्शरी, तो ये इसका भी तुम्हारे को आइडिया नहीं मांगता। हाँ बहुत सारे बना सकते हैं, ऐप बनाते ना, अभी ऐप बनाते हैं तो ऐप में वो लोग बताते ना चार ऑप्शन है, तो तुमने देखा ऐप में जो ऐप पे सबसे ज्यादा आंसर आता तो बता दे इतने लोगों ने ये आंसर बोला, इतने लोगों ने ये आंसर बोला, इतने लोगों ने, तो पूरा पिक्टोरियल पिक्चर का एडजेक्टिव दिख रहा है। मैं तुम्हारे को स्टैटिस्टिक्स से मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, देखो ये पिक्चर का स्पेलिंग है और उसका एडजेक्टिव वाला और एक मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है जो तुमको नहीं मालूम, उसका नाम है पिक्चरेस्क्यू, ये भी एडजेक्टिव है। ले भारी वर्ड है पिक्चरेस्क्यू, पिक्टोरियल भी होता तो पिक्चरेस्क्यू भी हो सकता है। तो टर्शरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। जैसे क्लियर वर्ड है तो क्लियर का वर्ब है क्लैरिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी क्यों यूज होता फिजिक्स में? वन अपॉन टाइम है, वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है, हर्ट्ज में मेजर होता है, हर्ट्ज। हाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ, चलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या बताएंगे आप लोग? क्लियर करो, वो टेबल बनाना पड़ता है, पता है टेबल? तो टेबल बनाने के बाद समझो अगर अभी एक वैल्यू है दो बार आया तो पहले वाले में डालेगा कि दूसरे वाले में डालेगा, मतलब समझो 0 to 10 आया क्या, और एक 10 to 20 है, और मेरे को 10 को लिखने का, 10 में ऊपर वाले में लिखेगा कि नीचे वाले में लिखेगा? अरे संकेत जाता है, तुला विचारतो है, जोपो करतो है, जोपी गेला जागा वाला, देखो 0 to 10 है ना, और 10 to 20 आया, और मेरे को 10 डालने का, तो 10 ऊपर में डालेंगे नीचे में डालेंगे? नीचे में। कितने लोगों को बात मालूम है? मालूम है कि नहीं है? हाँ लोअर लिमिट में डालना पड़ता है। रुद्रेश पाटिल का वाला डिक्शनरीज और एनसाइक्लोपीडिया टर्शियरी एंड सेकेंडरी दोनों डाटा का एग्जांपल है। ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल आया क्या इसके अंदर? पोल पोल ऑडियंस पोल करने का है आप लोगों? सर्जिल को नहीं चल रहा भाई, बढ़ गया कोई को जिसको और ज्वाइन करना है नेक्स्ट, जिनको ज्वाइन करना है भाई यूट्यूब पे जाओ यूट्यूब पे, और बाकी अपने दोस्तों को भी बोलो जिनको मैं इंडिया पास होने का, तुम्हारा कोई दोस्त है ना उसको यूट्यूब पर आ सकते बोलना, 10 दिन होने वाला क्लास, रात को 10:20 से लेके 1:20 तक। डेमो में क्या एक्सक्लूसिव मतलब क्या बच्चों का? एक्सक्लूसिव व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव? ये वर्ड का मतलब क्या है? इंक्लूसिव का मतलब क्या है? आदमी ने क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए कि इंक्लूसिव होना चाहिए? उधर सर है कि उधर सर? क्या बोले? एक्सक्लूसिव एक वर्ड है, एक वर्ड है एग्जॉस्टिव। देखो लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मीनिंग होता है एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव मतलब पूरा सैंपल स्पेस वन, मालूम A union B equal to S, exhaustive. A exclusive में सर? नहीं सर YouTube पे कुछ बोला। Exclusive में A intersection B should be equal not equal to zero. क्या equal to zero? A intersection B जो है ना वो फायर था, क्या क्या देखो ए अलग और बी अलग, ऐसा ए और यूनियन बी दोनों भी मिला के एस। एक थ्योरम है जिसका नाम है बेस थ्योरम, ये तब बेस थ्योरम तभी यूज कर सकते हैं आप जब ये दो वर्ड आपको मिलेंगे। कौन से दो वर्ड? एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। अगर इवेंट्स एक्सक्लूसिव कहां गए, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव नहीं रहेगा तो बेस थ्योरम यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है? ये सम करके रहा बताना।
जैसे करेंगे सब बस स्मार्ट के लिए कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट हाँ भाई एक कुछ मिनट में बस ठीक है बच्चों देखो इसमें जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या पता है क्या ये जो हमारे क्लासेस दिए हुए ना इनका जो क्लासेस का जो गिवन है इधर देखो सबसे पहला क्लास मैंने क्या लिखा है बोलो 1000 से लेके 1100 इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस क्या बोलते हैं इसको कंटिन्यूअस क्लासेस ठीक है अब एक और होता है जो कंटिन्यूअस नहीं रहता है ठीक है उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं ना अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा बोलो इन द अबो एग्जाम्पल्स ऑन इंक्लूसिव मेथड द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग क्लास इज वन ये देखो यहाँ पे एक मिनट अब बस इधर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है ठीक है एक्सक्लूसिव में क्या दिया देखो इन द क्लास 0 to 10 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट अ स्टूडेंट हु हैज ऑब्टेन्ड 10 मार्क्स इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लास इट विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज 10 to 20 याद रखो ये जो हमारा अपर क्लास और लोअर क्लास रहता है ना तो लोअर लिमिट है ना लोअर लिमिट इंक्लूसिव रहता क्या रहता बोलो इंक्लूसिव ठीक है और जो अपर क्लास रहता ना अपर लिमिट है ना सॉरी हाँ सही लिखा ना ठीक है बराबर और एक्सक्लूडेड रहता है ठीक है तो ये नहीं लेने का और ये तो जो हम लोअर लिमिट चेक करेंगे और उसमें पुट करेंगे ठीक है तो अब देखो नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल देखो ये एक एग्जाम्पल है मेरा ईस्ट साइड वाला ये वाला एक एग्जाम्पल है और ये वाला एक एग्जाम्पल है ठीक है इन दोनों तुम क्लास चेक करो क्लास फर्स्ट का है ना फर्स्ट का क्लासेस कंटिन्यूअस है चेक करो क्लासेस क्या बोलो कंटिन्यूअस है ठीक है तो इसमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन सेकंड वाले में देखो यहाँ पे इसका अपर लिमिट है ना 1099 है और दूसरे का क्या बोलो 1100 ठीक है तो इसका डिफरेंस कितना है बोलो 1 है डिफरेंस कितना है 1 तो हमें है ना आप क्या करेंगे वी सब्स्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड एड हाफ फ्रॉम टू द अपर लिमिट टू ईच क्लास टू मेक इट कंटिन्यूअस क्या करना है उसका हमको कंटिन्यूअस करना है ठीक है द एडजेसेंट क्लासेस वुड बी एज फॉलोज अब देखो एडजेसेंट क्लासेस कैसे दिखेंगे कैसे दिखेंगे बोलो बच्चों हम क्या कर रहे बोलो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं हमारा जो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम हाफ लोअर लिमिट्स में से सब्सट्रैक्ट करेंगे और ऐड क्या करेंगे अपर लिमिट में करेंगे ठीक है अब 1000 में से अगर 0.5 माइनस किया तो कितना आएगा बोलो 999.5 आएगा ठीक है टू ये कितना आएगा बोलो 1099.5 आएगा फिर इसमें से वापिस 0.5 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 1099.5 टू 1199.5 ऐसा आएगा ठीक है तो ये क्लासेस देखो वापिस तुमको यहाँ पे जो हमारा अपर लिमिट था वो इस क्लास का क्या बोलो लोअर लिमिट है क्या है लोअर लिमिट तो यहाँ से ये हम इसको क्या कर सकते बोलो एडजस्ट तो एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे बोलो हाफ ऐड कर रहे और क्या कर रहे बोलो हाफ सब्सट्रैक्ट कर रहे ठीक है ओके अब देखो नेक्स्ट ये कौन है अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये स्टैटिस्टिक्स में यही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब मुझे ये बताओ बच्चों व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बोलो चैट बॉक्स में फटाफट बोलो व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी ये कौन है भाई आर्यन सेंट्रल टेंडेंसी क्या रहता है बोलो जल्दी से अरे सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग हाँ तीन मीन मीडियन मोड ज्योमेट्रिक जितने भी मीन है ना देखो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन ये तीनों मीन और देखो मीडियन और मोड इसको क्या बोलते बोलो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते और एक क्या रहता है बोलो
डिस्पर्शन एक रहता मालूम क्या, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में क्या क्या था बोलो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या था, सीडी आता स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर सीवी आता सीवी, ठीक है, ये सेंट्रल तुम्हारा क्या बोलो डिस्पर्शन है क्या ये। अब देखो यहाँ पे आउट ऑफ दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन मीडियन एंड मोड आर समटाइम्स नोन टू मेजर ऑफ लोकेशंस, ये क्या बोलो मेजर ऑफ लोकेशन है, ठीक है। अब इसमें मैंने सबसे पहले जो लिया वो क्या है देखो अर्थमेटिक मीन, क्या है अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन मतलब क्या रहता है देखो, द मीन और एवरेज ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हम क्या कर रहे बोलो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कर रहे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर रहे, ठीक है ओके। अब देखो ये हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ठीक है, मीन इज इक्वल टू क्या बोलो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा मीन का फॉर्मूला है ओके। अब नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज नोट की है। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो क्या है, इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन सो ऑब्टेंड आल्सो इंक्रीजेस बाय द सेम कांस्टेंट। मतलब क्या देखो इसका, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा है x1 x2 x3 and so on xn, ये n elements है, कितने elements है n elements है, तो इनका mean हम कैसे निकालते हैं देखो, पहले x bar is equals to summation xi divided by n, that means x1 plus x2 plus x3 plus up to xn कर दे हम, और divided by क्या करते बोलो n कर दे, क्या करते divided by n करते, ठीक है, ये हमारा x bar रहता। अब वो क्या बोल रहा है, अगर हमारे जो observations है ना उसमें अगर हमने कोई कांस्टेंट क्या क्या बोलो ऐड किया, हर ऑब्जर्वेशन में, हर ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो हर ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया एक के कांस्टेंट ऐड किया, तो ये हमने लास्ट तक किया, क्या तक क्या बोलो xn plus k के लिए भी किया, ठीक है। तो अब हमारा जो नया x बार न्यू आएगा ना, x बार न्यू जो आएगा हमारा क्या रहेगा, देखो x बार जो ओल्ड था उसमें k ऐड कर देंगे, मतलब ये जो x बार ओल्ड है हमारा, ठीक है, इसमें बस k ऐड कर देंगे, हमें हमारा न्यू x बार मिल जाएगा, ठीक है, न्यू x बार मिल जाएगा ओके। अभी देखो नीचे क्या क्या, अगर माइनस करेंगे तो सेम माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो साइन रहेगा ना, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डिवाइड है तो डिवाइड में आएगा और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है ओके। ये इतना याद रखो, ये देखो ये चार जरूरी है, ये चार मैं क्या बोल रहा हूँ देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑफिस, एक्स बार ओल्ड है तुम्हारा, एक कोई एक्स बार ओल्ड है, ठीक है। अब तुमने क्या किया xi plus k किया ना, xi plus k, तो हमारा जो x bar new आएगा ना, x bar new वो क्या रहेगा देखो, x bar old plus k रहेगा, ठीक है। और अगर हमने each observation में से k minus किया तो हमारा जो x bar new आएगा वो क्या आएगा देखो, x bar old minus k आएगा, ठीक है। और अगर हमने हर observation को k से multiply किया तो हमारा जो x bar new आएगा it is k times x bar old आएगा, ठीक है। और अगर हमने हर observation को एक constant से divide किया तो हमारा जो x बार न्यू आएगा वो क्या आएगा देखो, x बार ओल्ड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा k। ये चार कंडीशंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ओके। ये चार कंडीशंस हो गए। अब देखो ये सबको पता होना चाहिए बोलो, द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू n इज n + 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा आप लोगों से, क्वेश्चन द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n कितना आएगा बोलो, 1 टू n तक का अगर हमने स्क्वायर किया तो उसका मीन कितना आएगा ये बोलो बच्चे लोग फटाफट, n प्लस 1 इनटू n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 सिक्स आएगा, ठीक है सही है। देखो क्या आएगा, क्या किसका मीन पूछ रहा है देखो बच्चों, मैं मीन किसका पूछ रहा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर है, और ये एन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इसलिए इसको एन से डिवाइड करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे एन से, ठीक है। अब वन स्क्वायर टू अप टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हमारा, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन n है, तो n n कैंसिल हो गया, क्या है बोलो n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1, ठीक है ये आंसर आया हमारा, ठीक है।
दिस इज द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. जो हमारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका मीन कितना आएगा बोलो, एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन आएगा डिवाइडेड बाय सिक्स. एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स आएगा. ठीक है, ओके. अब देखो नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, देखो सिक्स्थ वाला क्या दिया है, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम वन टू एन. क्या आएगा बोलो, लास्ट ऑड नंबर प्लस वन डिवाइडेड बाय टू. मतलब क्या बोल रहा है देखो, वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड अप टू सो ऑन टू एन प्लस टू एन माइनस वन, ये हमारे एन नंबर्स है. कितने नंबर्स है, एन. तो इसका जो मीन आएगा, मीन इसका जो मीन आएगा वो क्या आएगा देखो, इसका मीन बोलो क्या आएगा, कौन बोलता बोलो. अगर मेरे पास ऑड ऑड नंबर्स है, ऑड एन नेचुरल नंबर्स है, तो उसका मीन क्या आएगा, मीन. अरे बोलो, ऑड एन नेचुरल नंबर्स का मीन कितना आएगा, ऑड एन नेचुरल नंबर की एडिशन क्या आती है, एन स्क्वायर आती ना. तो सही है ना, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कितना आएगा, एन आएगा ना. तो इसका मीन एन आएगा, मीन कितना आएगा इसका, एन आएगा. ठीक है, मीन एन है, याद रखो. ऑड नेचुरल नंबर्स का मीन कितना आएगा, एन आएगा, एन. और अगर इवन रहेगा तो इवन, इवन रहेगा तो टू कितना एन, तो इसका कितना आएगा लो, एन प्लस वन आएगा. कितना आएगा, एन प्लस वन. अरे बात समझ में आ रही क्या, देखो क्लियर है क्या सबको. देखो मैंने बता दिया किसका किसका बता दिया, सबसे पहले नेचुरल नंबर का बता दिया, फिर उसके स्क्वायर का बता दिया, फिर ये ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स का भी बता दिया. ठीक है, यस डोलस क्या बोल रहे थे तुम, मेरे को डोलस का आवाज ही सुनाई देता है क्या. ठीक है, ये नोट करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड इंडिविजुअल डेटा रहेगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारे x1 टू xn है, तो हमारा मीन x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय n रहता है. इसको हम कैसे लिखते हैं, समेशन xi डिवाइडेड बाय n. इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड. इसको क्या बोलते बोलो, डायरेक्ट मेथड. एक क्या रहता बोलो, अज्यूम्ड मीन मेथड एक रहता, और थर्ड मेथड कौन कौन बोलेगा बोलो, थर्ड मेथड एक रहता, क्या रहता बोलो, थर्ड मेथड एक है बोलो, क्या रहता थर्ड मेथड, एक क्या बोलो, हाँ एक क्या है तुम्हारा, एक अज्यूम्ड मीन मेथड है. ठीक है, एक डायरेक्ट मेथड है, और एक मेथड है, और एक मेथड है बोलो, जिसमें हम यू आई पुट करते, यू आई स्टेप डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते प्रतीक पवार इसको. ठीक है, इट इज अ स्टेप डेविएशन मेथड. ऋषभ करेक्ट है, क्या बोलते इसको, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं. ठीक है, उसमें क्या करते देखो, हम क्या करते, ये जो डी आई है ना हमारा, जो डी आई है एक्स आई माइनस ए, इसको हम एच से एच से क्या करते बोलो, डिवाइड करते. किससे डिवाइड करते, एच से. ठीक है, और उसके लिए एक्स बार का क्या फॉर्मूला रहता है देखो, ए प्लस एच डी बार, ये फॉर्मूला रहता. ठीक है, वेयर डी बार क्या रहता बोलो, डी बार समेशन डी आई डिवाइडेड बाय एन रहता. ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है. ओके, ये जरूरी है, ये भी नोट करना. ठीक है, अब बोलो क्या दिया, मीन ऑफ ग्रुप्ड और कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारा ग्रुप रहेगा ना ग्रुप, तो हम क्या करेंगे देखो, इसमें x1 into f1 plus x2 into f2, ये तो फ्रीक्वेंसी के लिए होगा. किसके लिए होगा, फ्रीक्वेंसी. देखो x1 x2 x3 up to xn are n observations है, whose corresponding frequencies are f1 f2 f3 up to fn है. तो इसका फॉर्मूला क्या आता है देखो, समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi. समेशन fi को किस किससे डिनोट करते बोलो, समेशन fi का नोटेशन क्या रहता, कौन सा n, कभी कभी कैपिटल एन से डिनोट करते. याद रखो, समेशन एफ आई को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया बोलो, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई. यहाँ पे एन भी हम लिख सकते हैं.
इसमें भी हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं ए और डी का, ठीक है। ए फॉर अज्यूम्ड मीन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए आएगा, और ये हमारा फॉर्मूला आएगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। और स्टेप डेविएशन में देखो यहाँ पे एच आया क्या, एच, ठीक है। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है, क्या बोलो, स्टेप डेविएशन मेथड, क्या है बोलो यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्लासेस क्लास ऑफ द मार्क्स, इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच, ठीक है। अगर मुझे क्लासेस दिया रहेगा, देखो क्लासेस मैं बोल रहा हूँ 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, ये मेरे क्लासेस है, तो एक्स आई निकालते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, क्या बोलते हैं बोलो, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। अब क्लास मार्क कैसे निकालते, देखो अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, ठीक है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है मतलब टू, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास का क्या आएगा बोलो, फर्स्ट का फाइव, ठीक है, बोलो फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव आएगा, ये क्लास मार्क बोलते हैं ना। अगर मेरे पास क्लासेस गिवन है ना, क्लासेस, तो ये जो एक्साइज है ना, एक्साइज ये एक्साइज नथिंग बट द क्लास मार्क रहेगा, क्या रहेगा बोलो, क्लास मार्क रहेगा। आगे मैंने एग्जाम्पल क्लास मार्क, हाँ, क्या है देखो, ये वेटेड अरिथमेटिक मीन कितने लोगों को पता है बोलो, वेटेड, वेटेड पता है क्या, नहीं, तो देखो वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या रहता है, देखो सेम फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी देखो क्या बोला, करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ एक्स वन, एक्स वन का वेट कितना बोलो डब्ल्यू वन है, एक्स टू का कितना है डब्ल्यू टू है, और सेम वे एक्स एन का कितना बोलो डब्ल्यू वन है, देन वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या रहता, जैसे एक्स वन का एफ वन रहता ना वैसे जाता हो, ठीक है, क्या है बोलो, एक्स वन डब्ल्यू वन प्लस एक्स टू डब्ल्यू टू अप टू एक्स एन डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एन, और इसको हम लिखेंगे समेशन आई रन फ्रॉम वन टू एन डब्ल्यू आई इन टू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन आई रन फ्रॉम वन टू एन डब्ल्यू आई, मतलब हमारा जो एक्स बार का फॉर्मूला था ना, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, उसी के जैसा सेम है, ठीक है, बस एफ आई के जगह पे कौन है बोलो, वेट है, वेट क्या है, वेट, यस बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है, यस, वेटेड अरिथमेटिक मीन किस लिए यूज होता है, आवाज नहीं आई, सॉरी, वेटेड अरिथमेटिक मीन किस लिए यूज होता है, ये ना तुम्हें दिया जाएगा स्पेशली, क्या, ठीक है, कि तुम्हारा जो x1 है ना, x1 इतने टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसका ये वेट है, वेट इन द सेंस क्या है बोलो, ये उतने टाइम्स रिपीट हो रहा है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जैसे रहता ना वैसे यहाँ पे वेट वर्ड यूज किया, क्या वर्ड यूज किया बोलो, वेट, ठीक है, वेट, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट, ये पहली बार कितने लोगों को मालूम पड़ा भाई, ये बोलो वेटेड अरिथमेटिक मीन, चलो लिखो इसको, लिखो यहाँ पे चैट बॉक्स में, लिखो चैट बॉक्स में, सर एक मिनट, चैट बॉक्स, पहली बार मुझे, यस सर, देखो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, हाँ ये सबको पता है, अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन रहता, देखो इफ टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन देन द कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द सेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, x बार इज इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, x बार हमारा मीन ऑफ सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, x बार 1 हमारा मीन ऑफ फर्स्ट सेट एंड n1 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सबको पता है ना। मैं एक और चीज पूछ रहा, देखो मेरे को ये मालूम था x बार इज इक्वल्स टू समेशन xi डिवाइडेड बाय n था ना, xi डिवाइडेड बाय n था, यहां से मुझे बताओ समेशन xi की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन xi, अरे ये n इधर जाएगा ना, क्या हो जाएगा बोलो, फिर n इनटू x बार हो जाएगा ना, ठीक है,
तो वैसे ही यहाँ पे देखो ना, एन एक्स बार मतलब इनका एडिशन हो गया एडिशन, तो ये एन वन एक्स बार वन मतलब उन सब का एडिशन, और एन टू एक्स बार टू मतलब उन सब का एडिशन, इन दोनों को ऐड किया, दो डेटा हमने क्या किया ऐड किए, और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए अभी एन वन प्लस एन टू, उससे डिवाइड किया तो मुझे मीन मिलेगा ना मीन, इसलिए यहाँ पे एन वन एक्स बार वन करते और एन टू एक्स बार टू करते, बात समझ में आई क्या? देखो ओके क्लियर है ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, क्लियर है क्या सबको? ठीक है चलो, यस सर ओके सर, एक मिनट स्क्रीनशॉट लें, एक मिनट ठीक है चलो। यस सर ठीक है हो गया, अभी देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट मीडियन, देखो मीडियन अभी ओ भाई मीडियन बोलो, मीडियन क्या रहता, मीडियन आशा मैम है क्या? आशा मैम यस सर ओनली सेकंड पर्सन सिंगुलर मैम, आप एक्सप्लेन करेंगे मीडियन? यस सर ओके, तो मीडियन में दो टाइप्स के मीडियन होते हैं, एक मिनट सर थोड़ा सा बैक चली गई हूँ, जस्ट अ मिनट। हम पहले तो डेटा को मीडियन के लिए सबसे अरेंज करना पड़ेगा, डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके बाद उसकी अगर मिडिल वैल्यू ढूंढनी है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, मतलब या तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकती है या तो फिर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकती है, तो उसके लिए दो अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है ना। सीरीज को पहला काम क्या करना है, अरेंज करना है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर टोटल ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर्स हैं तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस वन अपॉन टू, यानी एन प्लस वन अपॉन टू ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये ऑब्जर्वेशन का लोकेशन बता रहा है, समझ में आ गया? ये एन प्लस वन, समझो हमारे पास कितनी है ऑड नंबर पकड़ लेते हैं फाइव, हमारे पास फाइव ऑब्जर्वेशन है वन टू थ्री फोर फाइव, तो टोटल नंबर कितने हो गए फाइव, फाइव प्लस वन अपॉन टू यानी कि थर्ड, थर्ड नंबर पे थर्ड लोकेशन पे जो नंबर आ जाएगा दैट नंबर इज एक्चुअली द मीडियन, ओके। अगर वो इवन नंबर होता, टोटल ऑब्जर्वेशन इवन नंबर होती तो हमें दो मिडिल वैल्यूज मिलने वाली थी जिसको मीडियन बोलना था, अब उन दो वैल्यूज को का मीन निकालना होता है, जैसे कि फिर से हम लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तीन छह ऑब्जर्वेशन हमारे पास, इसके लिए हमें दो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, पहला काम n बाय टू, क्योंकि n मतलब इवन नंबर है, तुम डायरेक्टली उसको टू से डिवाइड कर सकते हो ना, तो सिक्स डिवाइडेड बाय टू कितना हो जाएगा थ्री, थ्री के इमीडिएटली नेक्स्ट जिसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव टर्म उसको भी ले लेना है, ठीक है ना, जिसको हमने सिंबॉलिकली यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एन प्लस वन प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन, हमने क्या क्या लिया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो पहले तो थर्ड टर्म लोगे जो कि थ्री आने वाली है, उसके बाजू में फोर्थ टर्म भी लेनी है जो कि फोर आने वाली है, अब उन दोनों का मीन लेना है, जो मिडल की दो टर्म्स हमें मिली है ना उन दोनों का मीन लेना है, मीन मतलब वो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टू कर दो, दैट विल बी द मीडियन। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम मीन निकालते हो तब तो तुम्हें वैल्यू तुम्हारे डेटा में से ही दिखाई दे जाती है, लेकिन जब तुम मीडियन निकालते हो तो वैल्यू 0.5 से आगे पीछे होती है, ओके? किसमें? अगर वो इवन नंबर होगा, वरना अगर ऑड नंबर होता तो एग्जैक्टली तुम्हारे डेटा में से ही तुम्हें तुम्हारा वैल्यू मिल जाता है। आई होप किसी को कोई डाउट है कितना मैंने बताया उतने में से, ऑल अंडरस्टूड? ये ओमकार ऑर्गन जो भी है भाई अपना ये बंद करो ना, वीडियो बंद करो प्लीज।
तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वो किसके लिए था, कौन से टाइप के लिए था? इट वॉज फॉर नॉन ग्रुप्ड, है ना, विदाउट फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल वैल्यू को हमने कंसिडर किया, लेकिन कभी कभी कोई एक वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट, है ना, जब कोई वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी का डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, सेकेंड टाइप हो गया। एक ही वैल्यू तीन से चार बार भी लिखी होती है तो वो आ जाता है सेकेंड टाइम में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियन ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी साइज। ये तो सादा वाला था, तो कैसे लिखा है? फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट? अभी मैंने बोला वो मल्टीपल टाइम रिपीट होती है, जो कितने कौन सी नंबर। अच्छा मैम, आप है ना शायद एनोट कर सकते, चेक करो। एनोट नहीं सर, यहाँ पे कुछ है नहीं। आ गया होगा, देख लीजिए एक बार। कोस्ट बना लिया। आई तो नहीं दे रहा सर, नहीं दिखाई दे रहा। नहीं सर। ठीक है मैम, चलो फिर मैं बता देती हूँ। इसलिए मैं छोटे छोटे नंबर ले रही हूँ ताकि उनको ये खुद मेंटली कैलकुलेट कर सके। तो डिस्क्रीट में क्या, अभी हमने यहाँ जो सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं ना, इसमें हमने क्या बोला, हमने फ्रीक्वेंसी भी लेनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट इज अकरिंग, मोर देन वंस, है ना। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, समझो हमने टू लिखा, टू मैंने तीन बार लगा दिया, तो टू के सामने मैं थ्री लिख दूंगी। जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो तो टू थी, लेकिन वो टू कितनी बार आया, थ्री बार आया, यानी मैंने फ्रीक्वेंसी थ्री लिख दी। फिर नेक्स्ट नंबर मेरा थ्री था, थ्री मेरा कितनी बार आ गया, एक ही बार आ गया, तो मैंने थ्री के सामने वन लिख दिया। उसका नेक्स्ट नंबर मैंने फोर ले लिया, ठीक है ना, तो वो फोर मेरा कितनी बार आ गया, समझे, उसको भी मैं थ्री टाइम ले लेती हूँ। अभी मैंने तीन ही नंबर लिया, मैं तीन के थ्री को नेक्स्ट टू को, अच्छा टू टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो साइड में हमने टू के सामने थ्री लिखा था ना, वो फ्रीक्वेंसी थी। थ्री के सामने वन लिखा था ना, वो भी फ्रीक्वेंसी थी। फोर के सामने टू लिखा था, वो भी फ्रीक्वेंसी थी। यानी जो नंबर टू है वो तीन बार दिखाई दे रहा है, नंबर तीन है वो एक ही बार दिखाई देता है, नंबर फोर है वो दो बार दिखाई देता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी वाला थ्री टू वन है ना, इसको हम कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं या समेशन ऑफ एफ आई भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। इस सबको ऐड कर दो तो फाइव हो जाएगा। लेकिन जब हमें मीडियन निकालना है तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन लगानी पड़ती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? यानी स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी मेरी जो भी थी, व्हाटएवर इट वाज, नाउ राइट नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल, उसे मैंने तीन ले लिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो, नेक्स्ट 5 2 था 4 ऐड कर दो, 6 हो गया। अब ये जो 5 नंबर आया, ये जो टोटल आया है, टोटल तो में 6 आ गया ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी, फिर से हमें इवन ऑड का पेयर लेना पड़ेगा। अगर तो वो ऑड नंबर है तो हम उसे पहले इवन बनाएंगे, यानी n by 2 लिखेंगे। मैं अभी डिस्क्रीट की बात कर रही हूँ, फिर बाद में हम उसमें भी जाएंगे। Now n by 2, n by, पहले n तो पता चल गया ना, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है। वो जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको n से भी डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई भी लिखते हैं। उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यानी डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद जो भी वैल्यू तुम्हें आती है वो एक्चुअली हमारी मीडियन वैल्यू होती है। ओके मैम, यस सर, हम उसको एग्जांपल में अच्छी तरह से समझा सकते हैं ना, तो एग्जांपल आगे है। अब मैं थोड़ा सा मोड बताता हूँ, फिर हम एग्जांपल देखेंगे ना तो क्लियरली समझ आएगा, ऐसे सोच रहा हूँ मैं। यस सर। मोड देखो बच्चों, क्या रहता, द डेटा वैल्यू विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होता ना उसको क्या बोलते, बोलो, मोड बोलते, ठीक है। ओके, मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज मतलब कैसा, देखो इंडिविजुअल सीरीज मतलब तुम्हारा जो गिवन डेटा है ना, इट डिस्क्रीट रहेगा। डिस्क्रीट इन द सेंस कैसा, बोलो, 2 3 7 2 5 5 3, ओके 1, ऐसे कुछ भी रह सकता, ठीक है।
इसको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, द वैल्यू विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो वैल्यू क्या हो रही है बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो मोड ऑफ द सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड ऑफ द सीरीज बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो आगे, देखो इसके आगे, अब रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन और मोड, इससे पहले एक और रिलेशन मैं बताना चाहूंगा, मोड का एक और फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, मोड का एक और फॉर्मूला क्या है, देखो अगर मुझे क्लासेस दिया रहेगा, क्लासेस, तो उसमें क्या करना है, देखो ये हमारा क्लास रहेगा, क्या रहेगा, क्लास, ठीक है, और ये हमारे फ्रीक्वेंसीज रहेंगे, क्या रहेंगे, फ्रीक्वेंसीज। हमें पहले बस ये देखना है कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या बोलो सबसे ज्यादा है, ठीक है, जिस भी क्लास की रहेगी ना उसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास, क्या बोलेंगे उसको, हम मॉडल क्लास, ठीक है। अब ये मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट रहेगा ना उसको एल से डिनोट करेंगे, तो हमारा मोड का फॉर्मूला रहता, मोड इज इक्वल टू, देखो क्या रहता, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। अब ये एफ वन एफ नॉट क्या रहता, देखो जो हमने मॉडल क्लास सिलेक्ट किया ना, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, वहां वो जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम एफ वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ वन, उसके जो एग्जैक्ट ऊपर है, ठीक है, प्रीसीडिंग बोलेंगे जिसको, क्या रहेगा बोलो, एफ नॉट रहेगा, और जो क्या बोलो आगे उसको क्या बोलेंगे, एफ टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ टू, ठीक है। तो एफ नॉट एफ वन और एफ टू रहता, क्या रहता बोलो, एफ नॉट एफ वन और एफ टू, और आपको किसी किसी बुक में फॉर्मूला ऐसा दिखाई देगा, देखो क्या दिखाई देगा, एल प्लस माइनस एफ माइनस एफ वन अपॉन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू, मतलब वो क्या करेंगे, जिसको हमने एफ नॉट बोला ना एफ नॉट, सॉरी जिसको हमने एफ वन बोला ना एफ वन, वो वहां पे क्या लिखेंगे बोलो, बस एफ लिखेंगे, उसके ऊपर वाले को एफ वन लिखते और नीचे वाले को क्या लिखते हैं, एफ टू लिखते हैं, ठीक है। तो वही फॉर्मूला था वो, इंटू एच, एच फॉर क्या बोलो, एच फॉर क्लास विड्थ, एच फॉर क्या रहता है, क्लास विड्थ रहता है, ठीक है, एच फॉर क्लास विड्थ, ओके। अब देखो ये जो हमारा मोड है, एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं इसका, इसका नाम बोलो बच्चों, इसका नाम इसमें लिखो चैट बॉक्स में, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या नाम है इसका, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ बोलो, किसको याद है क्या सट्टा है बोलो, इसका किसके साथ कनेक्ट करते इसको, ये जो फॉर्मूला है ना इसको किसके साथ कनेक्ट करते बोलो, नहीं मालूम, किसी को मालूम है देखो चैट बॉक्स में लिखो, इसको हम किसी के साथ कनेक्ट करते हैं इस फॉर्मूले को, अरे देखो ना अभी ये मोड है ना, मैं लिख रहा, देखो हाँ मोड है ना, मोड, मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन, थ्री मीडियन माइनस टू मीन है ना, मैं इसके नीचे वन है ना डिवाइडेड बाय में क्या बोलो वन है, तो उस वन को कैसे लिख रहा, देखो मैं थ्री माइनस टू, अभी याद है क्या, देखो ऐसे रहता, x इज इक्वल टू एम एक्स वन माइनस एन एक्स टू डिवाइडेड बाय एम माइनस एन फॉर्मूला, हाँ इसको इसके साथ क्या करने का, कनेक्ट करने का, तो याद हो जाएगा तुमको, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही क्या, देखो कितने लोगों को समझा मैं जो बोला, फिर मुझे ये बोलो, देखो एक और बार बता रहा मैं, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बोलो, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, y is equals to हमारा क्या रहता बोलो एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन रहता, और x is equals to क्या रहता वहां पे एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन रहता, ठीक है। तो वैसे सेम कर रहा मैं, सेम मोड इज इक्वल टू क्या बोलो, मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन, थ्री मीडियन माइनस टू मीन, टू मीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइड में वन है ना, डिवाइड में वन जो है उसको हमने क्या लिखा बोलो, थ्री माइनस टू लिखा, तो यहाँ पे m by n रेशो क्या आएगा बोलो, m by n रेशो थ्री एस टू टी आएगा ना, तो हम बोल सकते क्या मीडियन और मीन क्या बोलो थ्री एस टू टू रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड रहेंगे, ठीक है, ओके। बात समझ में आई, फर्स्ट टाइम कितने लोगों को समझा भाई बोलो, ये सट्टा कितने लोगों को समझा फर्स्ट टाइम, किसी के बैकग्राउंड में नॉइज चल रहा है, प्लीज म्यूट करो भाई अपने आप को। ठीक है, देखो पहली बार कितने लोगों को समझाइए, इसको हमने जो इसके साथ जोड़ा है,
ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी। ठीक है, देखो सम यूजफुल फॉर्मूले। देखो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन आर एन ऑब्जर्वेशन विद देयर मीन एम, एम मीन क्या बोलो उसका एम है, तो ये जो डी आई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम बोला है ना, इसको बोलते हैं डेविएशन डी आई। क्या बोलते बोलो? डेविएशन डी आई बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेविएशन है ना, मीन डेविएशन किसको बोलते हैं? देखो मीन डेविएशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, मीन डेविएशन याद रखो बच्चों। अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशंस क्या बोलो x1 x2 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, इसका मीन क्या बोलो? मीन x बार है। मीन क्या बोलो? x बार है। तो याद रखो हमेशा समेशन ऑफ xi माइनस x बार ऑलवेज जीरो रहता। क्या रहता? ठीक है, बस ये जो मीटिंग है ना 7 बजे कंटिन्यू हो रहा है, अगर कैमरा ऑन करो। ये 7 बजे कंटिन्यू होने वाला है, उधर सर इसको आगे पीपीटी कंटिन्यू करें, क्लियर करो स्क्रीन क्लियर करो। लास्ट बात करके मैं खत्म कर देता, सुनो सुन रहे क्या? ये देखो ये, हाँ ये देखो ये नौ फॉर्मूले तुमको मालूम मांगता, मैं वापस बोलता लास्ट बात है। बोलो जरा जोर से बोल, तन्मय बोलेगा मेरे को। तन्मय इसका क्या फॉर्मूला? तन्मय बोलता नहीं यार, ये बोलो वन स्क्वायर। बोलो जोर से बोलो, बाकी तुम लोग इधर बैठे ले, जल्दी बोलो क्या क्या? n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू हां 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n ले करो। क्या फॉर्मूला क्या क्यों ले? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये पहला जो लिखा उसका क्या करेंगे तुम? n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 6 n इनटू n प्लस 1 n माइनस 2 पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर, बराबर ना? पूरा हां। आंसर क्या आएगा? कोई फॉर्मूला नहीं है, वो एनडीए पास नहीं होगा, मैं बार बार लिखता, मैं कोई नया चीज सिखाता नहीं, मैं वही चीज को बार बार बोलते रहता कि बहुत सारे चीज आना जरूरी नहीं है, जो ऑलरेडी आया उसको मतलब नीचे थर्टी आता। हाँ कैमरा बंद करो जरा, जगह मांगते लिखने। अभी देखो ये बोलो इसका क्या फॉर्मूला है, अगर ये और रहेगा ऑड रहेगा, वो चलो ऑड ऑड का क्या फॉर्मूला? 1 3 5 रहेगा। बोलो जल्दी बोलो, बोलो ना एडिशन, बोलो ना इसका लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइड बाय 2। कुछ भी बोलो यार, मारेगा यार 1 3 5 2 एम माने उनका एडिशन कितना रहता समेशन n स्क्वायर। कैसे इंडिया पास हो गए यार तुम लोग, बजाएंगे उठ के यहां से 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर रहेगा तो नहीं बोलेंगे, मेरे को मालूम है नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते लोग, उनके बुक में रहेगा दिमाग भी नहीं रहेगा। बोलो ना फॉर्मूला, दस अच्छी बनाओ, तो मत बनाओ बोलो, नहीं तो मत बनाओ बोलो। अरे बच्चे लोग बोलो ना यार फॉर्मूला, 2n² ब्रैकेट में n स्क्वायर मान सो, वेरी गुड, चेक करो ना यार। ये देखो ये 3 का स्क्वायर कितना रहता? 9 और 1 कितना होता? 10। n 2 डाल के 10 आएगा, देखो ना 2 4 माइनस 3 कितना हो गया? नहीं नहीं सर, ये 9 और 1 10 है, गलत फॉर्मूला है, फॉर्मूला गलत है। क्या यार कैसे तुम लोग कैसे इंडिया पास हुए? 2 4 6 रहेगा ना, तो उसका आंसर n into n plus 1 आएगा, और 2 square 4 square 6 square रहेगा ना, तो ये इसका फॉर्मूला मैं डिराइव भी कर सकता है। इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव आएगा? 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा, तो ये 4 into n into n plus 1 into
2n plus 1 upon 6 है ना, ये 2 by 3 आएगा, बस 2 by 3 आएगा। लास्ट फॉर्मूला जो लिख रहा मैं, और के याद करना पड़ता है सर, बाकी तो सब डिराइव हो जाते ना। 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब वाला फॉर्मूला है ना, वो याद हो जाता, क्योंकि अगर अपने 2 का क्यूब कॉमन निकाले, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब आता ना सर, समझा ना। और इसका फॉर्मूला आपने ऑलरेडी मालूम है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, n स्क्वायर इनटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो कट होने के बाद ऐसा आता 2n स्क्वायर ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। चेक कर सकते ना, देखो 2 का क्यूब 8 है, अगर मैंने 1 डाला तो 8 आ रहा क्या, 1 डाला तो 8 आ रहा, आ रहा ना, आ रहा है कि नहीं 8। हां, और ये वाला फॉर्मूला चेक, हां मैं ये स्क्वायर का वाला फॉर्मूला राइट किया, रॉन्ग किया है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है, n मल्टीप्लाई बाय 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 n मल्टीप्लाई बाय 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 कौन है हां बात दो, वेरी गुड। देखो सर, 2 डाला ना सर, 2 डाला तो कितना आएगा, 8, 16 में से 1 गया तो कितना है, 15 अपॉन 3 5 into 2 कितना होगा, 10 राइट है, बात दो कुणाल, बात दो, वेरी गुड। उसके बाद नीचे वाला फॉर्मूला क्यूब का बोल, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2n स्क्वायर माइनस 1, ये इधर का फॉर्मूला था, इधर का फॉर्मूला उधर, उधर का फॉर्मूला इधर किया उन्होंने, ये 2 डाला, ये 27 प्लस 1 8 हो गया ना, 28 हो गया, 2 डाला तो 2 का स्क्वायर कितना होता, ये गलत है फॉर्मूला, n 2 डाला ना, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 2 16, 16 में से 1 गया तो 15, नहीं गलत है ये फॉर्मूला, 1 ये क्या, तो क्या फॉर्मूला क्या बोला, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बराबर है, n 2 डाला ना, 4 2 8 8 में से 1 गया 7, 7 4 28 आता, बराबर है, तो ये 3 का क्यूब 27 है प्लस 1 28 हो गया। अरे समझ में आ रहा क्या, ये फॉर्मूलास तुमको याद नहीं है तो तुम एनडीए पास होते नहीं। चलो नेक्स्ट, बस हो गया सर, पर लेक्चर एंड करो सर, रह गया फैजान सर, है फैजान सर, गायब हो जाते ये है ना अभी अपन।